सब्सक्राइब करें टुडे न्यूज 24x7 को और दबाए इस बेल आइकन को। स्मार्टफोन को लेकर क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर हम अपना पुराना फोन छोड़कर नया स्मार्टफोन खरीद लेते हैं। नया फोन खरीदने के बाद हम पुराने स्मार्टफोन को किसी अलमारी में रखकर भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस स्मार्टफोन को आप बेकार समझकर ऐसे ही रख लेते हैं उसमें सोना यानी गोल्ड होता है। जी हाँ, स्मार्टफोन को बनाने में सोने का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा फोन बनाने में चांदी और तांबे जैसी मेटल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। एक मोबाइल फोन में 0.01% सोना, 10 से 15% चांदी और 40 से 50% रिसाइकिल प्लास्टिक जैसी चीजें होती हैं। इसके अलावा मोबाइल फोन बनाने में कई और मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 1 टन फेंके गए मोबाइल फोन से 150 ग्राम सोना, 100 किलो तांबा और 3 किलो चांदी निकाली जा सकती है। बात अगर आईफोन की जाए तो एक आईफोन में करीब 0.034 ग्राम सोना, 0.34 ग्राम चांदी, 0.015 ग्राम पैलेडियम, 15 ग्राम तांबा और 25 ग्राम एल्यूमिनियम होता है। वहीं महंगे स्मार्टफोन में 1 ग्राम तक सोना मिल सकता है। दुनिया में ऐसे पुराने मोबाइल फोनों की भरमार है जो अब किसी इस्तेमाल में नहीं आते हैं। मोबाइल फोन बनाने में इन मेटल्स के अलावा और बहुत सी दुर्लभ धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है जिनकी माइनिंग में काफी खर्च होता है। इन मेटल्स में लेंटेनम, वाइट्रियम, टर्बियम, गैडोलिनियम शामिल है। मौजूद समय में दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोबाइल बनाने में कितनी अधिक मेटल्स का यूज हो रहा है। 1 टन सोने के अयस्क से जितना सोना निकलता है उससे 300 गुना सोना 1 टन आईफोन से निकाला जा सकता है। मोटे तौर पर दुनिया में लोग 11 महीने में मोबाइल बदल लेते हैं, क्यों? इतने वक्त में बाजार में नए फीचर्स के साथ इतने फोन आ जाते हैं कि हर कोई उस नए फोन को खरीदना चाहता है। फिलहाल 10% मोबाइल से ही उनमें लगी कीमती धातुएं निकाली जाती हैं या इन मोबाइल में लगे पार्ट्स का फिर से इस्तेमाल किया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक 10 लाख मोबाइल से करीब 16 टन तांबा, 350 किलो चांदी, 34 किलो सोना और 15 किलो पैलेडियम निकाला जा सकता है। एप्पल ने हाल में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि 2015 में कंपनी ने पुराने आईफोन, आईपैड और मैकबुक से लगभग 1 टन सोना निकाला है। एप्पल ने आईफोन लसी के लॉन्च के वक्त एक वीडियो भी जारी किया था। इस वीडियो में लियम नाम का एक रोबोट पुराने और खराब आईफोन के सभी पार्ट्स को अलग करता दिख रहा है। टुडे न्यूज 24/7 की रिपोर्ट।